हिमाचल की राजधानी शिमला के कॉलेजों में इन दिनों राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर छात्र संवाद किया जा रहा है। आज राजधानी के आरकेएमवी में छात्राओं से बातचीत की जा रही है, जिसमें शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिरकत की। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने नई शिक्षा नीति पर बातचीत करते हुए कहा कि भारत अपनी प्राचीन सभ्यता को शिक्षा नीति के माध्यम से पहचान पाएगा। लेकिन इसमें विद्यार्थियों से भी जो है संवाद हो सके और उनके भी इसमें अभी तक जो है उनकी दो साल हो गए हैं, 1920 में आई, 2020 में आई है ये शिक्षा नीति, तो अभी तक बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ लिया है, बहुत सारे लोगों ने जो है इसके सेमिनार किए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी उच्चतर शिक्षा परिषद के चेयरमैन सुनील गुप्ता जी की अध्यक्षता में सभी महाविद्यालयों में जो है इस पर सेमिनार गोष्ठियां होती रही हैं, तो इसलिए अब छात्रों में साथ संवाद हो इस दृष्टि से जो है ये संवाद की कड़ी जो है वो प्रारंभ की गई है। और उस दृष्टि से पहले कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस संजौली में जो है वो संवाद किया गया, कल हमारा जो चौड़ा मैदान में राजीव गांधी महाविद्यालय है उसके छात्रों के साथ जो है वो संवाद हुआ, आज हमारा राजकीय कन्या महाविद्यालय है इसमें ये संवाद हो रहा है। ये महाविद्यालय आज कन्याओं का है, किसी समय हम यहाँ पर पढ़ते थे तब ये एसडीबी कॉलेज हुआ करता था, वो एसडीबी कॉलेज ही परिवर्तित होकर के आरकेएमवी बना है, तो आज जो है वो छात्राओं के साथ जो है वो संवाद होगा। हालांकि संजौली और कोठेरा में भी अधिकांश जो है वो अब विद्यार्थी छात्राएं हैं, संजौली में भी इस बार की एडमिशन लगभग 70% छात्राओं की है, तो इसलिए ज्यादा जो फीडबैक आ रहा है वो जो दुनिया की आधी आबादी है महिलाओं की उनका ही आ रहा है। जैसे यहाँ पर भी आप 5-6 पत्रकार हैं जिनमें से सिर्फ 2 ही पुरुष है, बाकी सब महिलाएं हैं, इसलिए आपका राज्य है और उसी दृष्टि से बात। थैंक यू सर, थैंक यू जी। जी सर, आरकेएमवी में आज बच्चों का संवाद रखा हुआ है, तो किस तरह से देखते हैं? भारत को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गए हैं और हम भारत की आजादी का अमृत महोत्सव आजकल मना रहे हैं। आवश्यकता इस बात की थी कि आजादी के बाद भारत की पुनर्रचना और पुनर्निर्माण के लिए देश की शिक्षा नीति में जो है वो आमूलचूल परिवर्तन हो। हम अंग्रेजों द्वारा कॉलोनियल शासन को जो है मजबूत करने के लिए बनाई गई मैकाले शिक्षा पद्धति से बदल करके जो है वो भारतीय राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने वाली जो है शिक्षा नीति देश में चलाएं, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत सारी शिक्षा नीति बनी लेकिन उसमें जो देश को आगे बढ़ाने के लिए एक मानव बनाने की दृष्टि से और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से जो शिक्षा नीति बननी चाहिए थी वो बन नहीं पाई, चाहे वो 1968 में हो या 1986 की शिक्षा नीति हो या उसके बाद के अमेंडमेंट्स हो। अब नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के बहुत प्रमुख वैज्ञानिक इसरो के पूर्व चेयरमैन के कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जिसने सारे देश भर में जो है वो सजेशंस दिए, वार्तालाप किए, सेमिनार्स किए, शिक्षकों से, विद्यार्थियों से, सभी प्रकार के स्टेक होल्डर से बात करने के बाद जो है वो एक शिक्षा नीति तैयार की जिसे हिंदुस्तान की सरकार ने जो है अंगीकार किया है और अब वो सारे देश में जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो आगे कोशिश जो है वो उसमें की जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस शिक्षा नीति को
इम्प्लीमेंट करने का जो है निर्णय लिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए टीचर्स के साथ, शिक्षाविदों के साथ संवाद